मुख्यमंत्री योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। सीएम योगी ने अपने दौरे के तीसरे दिन जनता दर्शन कर लोगों से उसकी फरियाद सुनी। सीएम के जनता दर्शन से दूर दराज से कई लोग आए हुए थे। सीएम ने समस्या सुनिस्तांतरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देशित किया है कि जो भी जरूरतमंद आयुष्मान हेल्थ कार्ड से वंचित रह गए हैं उनके कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनवाए जाएं। जन स्वास्थ्य की रक्षा हमारा दायित्व है, इसके लिए इलाज में धन की बाधा नहीं आनी चाहिए। जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए हैं इसके लिए इलाज के मेडिकल कॉलेज में बेहतर व्यवस्था बनाई जाए और इसके बाद भी जरूरत पड़े तो हायर सेंटर में इलाज के लिए इंटीमेट बनवा कर शासन को उपलब्ध कराएं। इस्टीमेट मिलते ही इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भरपूर आर्थिक सहायता राशि जारी की जाएगी। यूपी में बिपरजॉय के असर से भीषण बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को भी 42 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि अभी 72 घंटे तक साइक्लोन का असर जारी रहेगा, वहीं तेज हवाएं भी चलेंगी। साइक्लोन के असर से मैनपुरी में 105 और कानपुर में 52 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लखनऊ के कुछ हिस्सों में गुरुवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश आगरा नगर निगम के निर्देशन में कोलकाता के कारीगरों ने सेंट जॉर्जस कॉलेज से बाहर सूर्य नमस्कार योग की मुद्राओं की 12 प्रतिमाओं का निर्माण किया था, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने इन प्रतिमाओं को तोड़ दिया है। किसी का सिर अलग कर दिया तो किसी का हाथ और किसी का पैर। इसके खिलाफ पुलिस ने शिकायत भी दर्ज की है। पुलिस ने आरोपियों को तलाश कर कार्रवाई की बात भी कही है, लेकिन अभी तक आरोपियों का पता नहीं चला। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के आगरा झांसी रेलवे ट्रैक जखोदा के 24 वर्षीय युवक का शव बुधवार की सुबह मिला तो अफरा तफरी मच गई। सूचना पर थाना मलपुरा पुलिस एवं रेलवे पुलिस भी पहुंच गई। थाना मलपुरा पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ककुआ निवासी 24 वर्षीय अमन पुत्र मनोज कुमार का शव आगरा झांसी रेलवे ट्रैक स्थित जखोदा इसके नजदीक मिला। रागिरों ने शव देखा तो अफरा तफरी मच गई। पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने जेब में मिले आधार कार्ड के अमन की शिनाख्त। एक संत के पति पर ऐसा भूत सवार हो गया, उसके तेज डीजे बजाकर साली और पत्नी को जमकर पीटा। जीजा की पिटाई से जहां साली की मौत हो गई तो वहीं पत्नी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरा मामला दो दिन पहले थाना क्रॉसिंग क्षेत्र के सिद्धार्थ विहार एरिया में रमेश नामक व्यक्ति का है। यहां बर्थडे पार्टी चल रही थी जिसमें रमेश की पत्नी हीना के परिवार के लोग भी इस बर्थडे पार्टी में शामिल थे। दो दिन पहले लगभग 5 लाख की नकदी और ज्वेलरी घर से गायब हो गई थी, जिसके शक में रमेश ने अपनी पत्नी हीना को डीजे की तेज आवाज में जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में चोरी के शक में 23 साल की युवती की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद आरोपियों ने सबूतों को मिटाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, जब चोरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो आरोपी युवती के घर सहारनपुर पहुंचे और वहां भी तलाशी ली। मामला खुलने पर पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के जालौन में पत्नी के मायके वालों से परेशान होकर एक शख्स ने फेसबुक लाइव आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की जानकारी परिजनों को हुई। वह मौके पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा तोड़कर युवक को नीचे उतारा और फौरन अस्पताल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। इटावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटी बस 80 मजदूरों को श्रावस्ती से गुजरात ले जा रही थी। बस अचानक सड़क हादसे में 29 लोग घायल हो गए हैं। बस चालक को नींद आने से हुआ था ये सड़क हादसा। थाना चौबिया क्षेत्र के माइलस्टोन 111 की घटना। घायलों को सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में करंट लगने से माँ और बेटी की मौत हो गई। माँ को लगा करंट बचाने में बेटे की भी मौत हो गई। कपड़े सुखाने को तार पर डालने गई थी महिला, करंट की चपेट में आने से मां बेटे की मौत हो गई। घर पर केवल 1.5 साल का मासूम बचा है। पति की 6 माह पहले ही मौत हो चुकी थी। सदर के रोहनिया धर्मशाला मुहाल का है मामला। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें पब्लिक न्यूज़ टीवी।